जी बंसल जी, अगली कॉलर जुड़ चुकी हैं हमारे साथ। दीप्ति जी हैं अमृतसर से। हाँ दीप्ति जी बताएं। हाँ जी नमस्ते डॉक्टर हाँ साहब। नमस्कार जी, नमस्कार दीप्ति जी। हाँ जी डॉक्टर साहब, मेरे को एक तो थायराइड है हाँ जी हाँ और एक मेरे को ना, जैसे मैं कोई मीठा खाती हूँ तो उससे मेरे को मेरा मुंह जलने लग जाता है। अच्छा, तो धनिया और हाँ बताओ बताओ। हाँ, और धनिया का पानी लेती हूँ तो मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो जाती है, नहीं उसमें फिर थोड़ी हल्दी डाल घुटनों दिया में भी करो ना। थोड़ा सा गैप आ गया। हाँ नहीं हल्दी क्यों नहीं डाल देती, थोड़ा मैंने बताया था जिनको दर्द, क्योंकि धनिया कई बार क्या होता है ठंडा होता है ना, दर्द बढ़ा देता है, तो उसमें फिर थोड़ी सी हल्दी डाल लो, तो वो डाल लिया करो, फिर उससे दर्द नहीं बनेगा। और क्या और करते हो डॉक्टर आप, साहब, मैं वो दूध में हल्दी डाल के तो रात को पीती हूँ। कितने दिन से पी रही हो? आपका प्रोग्राम देख रही हूँ डॉक्टर साहब, नहीं नाखूनों में तेल भी लगाती हूँ। कितने दिन हो गए लगाते हुए? मेरे को हो गए 10-15 दिन तो हो गए। अच्छा अभी स्टार्ट किया ना, चलो कोई ना, भगवान अच्छा करेगा आपको और कोई ना ठीक करेगा। वो धनिया के पानी में थोड़ा हल्दी डाल लिया करो, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ जाएगा। और ये इसका फिर कोरस मंगाओ। देखो मैं तो यही कहूँगा, जब इतनी बीमारी है गैप भी आने लग गया। देखो क्या हाँ होता जी है, जो मैंने पहले ही बताया था, अब जब हमारा ब्लड गंदा हो जाएगा तो अपने आप जब खून कम जाने लग जाएगा तो फिर घुटनों में भी दर्द हो जाएगा। जैसे ही आप ठंडी चीज़ खाते हो, धनिया को ठंडा होता है तो दर्द बढ़ जाता है, क्योंकि खून में, अब देखो ब्लड कोई तो लेते हैं, जब थायराइड का यहाँ से तो कुछ लिया नहीं जाता, सिर्फ खून को जांच करते हैं और उसमें यह बता देते हैं भाई आपको थायराइड का रोग है, TSH आपका कितना बढ़ा हुआ कितना घटा हुआ, वेरिक एसिड कितना है, मतलब ब्लड से ही, और कोई जांच नहीं होती, सिर्फ ब्लड से ही पूरी बात का पता चल जाता है। इसलिए हम कहते हैं जो नसों में खून का बहाव आपका एकदम प्रॉपर होगा तो आप स्वस्थ हो जाओगे, जब वो प्रॉपर नहीं होगा, वो गंदा खून होगा, गंदा बहता रहेगा तो आप बीमार पड़ जाओगे। हमने क्या करना है, आपके खून को एक तरह से साफ करना है। जब साफ कैसे होगा, यही हम योग प्राकृतिक चिकित्सा में बताते हैं। जब आपका खून साफ हो, हल्दी क्या करती है, खून को साफ करने में मदद करती है, लहसुन क्या करता है, नसों को खोलने में मदद करता है, तो धीरे धीरे हमारा जो ब्लड गंदा हो चुका है उसको खोलने में साफ करने में टाइम लगा देता है। अब मान लो देखो खून से ही तो हम क्रिएटिनिन को जांच कर देते हैं भाई, इसमें क्रिएटिनिन की यानी किडनी का जो किडनी जो साफ करने का फिल्टर था, जो ब्लड वहाँ पर जा रहा है वो कितना सही है कितना नहीं है, तो उसी से पता चल जाता है। जैसे उसका पैमाना 1.4 दिया हुआ क्रिएटिनिन का, अगर ये इससे बढ़ने लग जाए तो किससे पता चलता है, सिर्फ ब्लड से। तो इसलिए हम कहते हैं कोई आपको बीमारी नहीं है, कोई रोग नहीं है आपका, आपने सिर्फ एक ही काम करना है, आपने खून को बहुत साफ कर देना है, उसका फ्लो नसों में सही कर देना है, तो आप बड़े से रोग को बच जाओगे। अब डायबिटीज़ में किसको चेक करते हैं, कोई पेन क्रिया को थोड़ा चेक करते हैं, वहाँ से क्या ब्लड लिया, पेन क्रिया वही खून लेते हैं और उससे फास्टिंग शुगर आपका पता चल जाता है, पीपी भी शुगर पता चल जाता है, यानी ब्लड में कितनी शुगर आई हुई है कितनी कम हुई हुई है उससे पता चल जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो खून का जो फ्लो है आपका ये साफ सुथरा, जैसे झरना बहता है, झरना बहता रहेगा तो कितना सुंदर लगेगा, अगर वो रुक जाएगा तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, देखने का ही मन नहीं करेगा। तो झरने में पानी छल छल करके बहता रहेगा तो सुंदर लगेगा, अगर वो स्लो स्लो गिरने लग जाएगा तो आपका भी मन नहीं करेगा। ऐसे ही हमारा शरीर है, जब हमारा ब्लड का संचार धीमा पड़ जाता है तो हम बुढ़ापे की तरफ चलने लग जाते हैं, जब ये ब्लड का संचार पूरा सही रहता है तो हम जवान बने रहते हैं। जी ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारी जो झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ये पड़ जाती हैं, सिर्फ एक ही कारण होता है, जो ब्लड का सब संचार आपका जब ये धीमा पड़ जाता है तो हम बुढ़ापे की तरफ चल पड़ते हैं, जब इसमें ताकत आ जाती है तो हम सही होने लग जाते हैं। जी बंसल जी, उमा जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ पठानकोट पंजाब से। हाँ उमा जी बताएं। हेलो नमस्कार डॉक्टर हाँ साहब, नमस्कार मैं उमा देवी बोल रही हूँ, पठानकोट से बात कर रही हूँ। मैंने आपका प्रोग्राम है 4-5 दिन हो गए देखते हुए। अरे वाह बहुत अच्छा बहुत अच्छा। हाँ जी बताएं उमा जी। नमस्कार डॉक्टर हाँ साहब, नमस्कार जी नमस्कार। मैं पठानकोट से बात कर रही हूँ, हाँ जी पठानकोट से बात कर रही हूँ। मैं आज 4-5 दिन हो गए आपका देखे हुए प्रोग्राम, चलो बताएं क्या तकलीफ रहती है बताओ। बड़ा अच्छा लग रहा है आपका अरे प्रोग्राम देख के, थैंक है यू ना। सर, थैंक हाँ तो मेरा मन कर रहा है कि मेरा ना तकलीफ कम है, पर मेरे ना जो हाथ पाँव है ना थोड़ा सीढ़ियाँ चलती हैं। हाँ सुनपन आ गया, वही मैं बता रहा था, जो बीमारी होती है जब खून जब कम जाने लग जाए। पर वो एक साइड में है, एक साइड में है, एक साइड में हाँ तो कहीं पे भी देखो कम जाने लग जाएगा तो उधर ही चींटियाँ चलने जाएंगी, तो एक तो रात को फिर से दूध निकलती हैं। दूध में हल्दी और लहसुन डाल कर उबाल कर पियो, उसमें छुहारा भी डाल सकते हो अगर डायबिटीज़ ना हो तो।
और देखो जिनको बीपी हो वो हल्दी ना डाले, वो एक ही चुटकी हल्दी डाले, फिर उसमें दालचीनी डाल ले। कई बार कई पेशेंट हमारे से पूछते हैं भाई मेरे को बीपी बढ़ा हुआ था, बीपी में बढ़े हुए में फिर हल्दी का कम यूज़ करें, फिर उसमें दालचीनी डाल सकते हैं, क्योंकि दालचीनी फिर बीपी को कम कर देती है, करने में मदद करती है। और दूसरा फिर इसमें लहसुन डालें, लहसुन भी क्या करता है नसों को खोल देता है। जिनको बीपी की शिकायत या खून में जैसे बहाव कम होता है या जिन लेडीज़ों को सफ़ेद पानी आता है तो उन उसमें हल्दी का कम प्रयोग करना चाहिए, जब मैं बता देता हूँ तो ये करो। और गर्म पानी में नमक और फिटकरी डालकर सिकाई करो, क्योंकि ब्लड का जो संचार अगर जैसे ही कम हुआ तो समझ लो कई रोगों को जन्म दे देता है, इसलिए इसका पूरा उपचार करें और लग के करें। मैं तो कहता हूँ एक बार अपना खून को आप साफ करें, प्रॉपर करें, नसों में खून प्रॉपर चले, तो उसी के द्वारा हमारा काम होता है, हम चाहते हैं कि भाई सभी बीमार ना पड़े, कोई भी बीमार ना पड़े। उसका जब खून का ब्लड संचार सही चलता रहेगा, जैसे घर है, घर में पानी सही चलता रहेगा तो नाली रुकेंगी नहीं, जब कहीं पानी रुक जाएगा तो सड़ादाने की तो फिर डंडे से साफ करना पड़ता है। ऐसे ही हमारा शरीर है, तो अगर इसमें ब्लड सही चलता रहेगा तो इसमें कोई रोग नहीं आएगा, जब कहीं खून रुक जाएगा तो उसके नाम फिर अलग अलग हो जाएंगे, फिर तरह तरह के रोग होने लग जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ आदमी कई बार क्या होता है जैसे बीपी है जी, वो चींटियाँ क्यों चलती हैं, खून पूरा नहीं जा रहा ना, जब ब्लड पूरा नहीं जाएगा तो चींटियाँ चलने लग जाएंगी, फिर वो धीरे धीरे सुनपन पड़ने लग जाएगा, पहले एक उंगली पड़ेगी फिर दो पड़ेगी, तो ऐसे ही धीरे धीरे फिर बीमारी बढ़ जाती है। अब उसको ब्लड को संचार को पूरा करना हमने, वो पूरा कैसे होगा, एक तो दूध में हल्दी और लहसुन डाल के, और एक जो हम बताते हैं भाई आयुर्वेदिक में हमारा जो हमने नसों का खोलने का एक कोर्स करवाते हैं हमारे डॉक्टर, वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इफेक्टिव है भाई। जिस जिसने लिया है, किसी को 10%, किसी को 20%, किसी को 50%, किसी को 80% लाभ मिल रहा है और उसको अच्छी तरह कर रहे हैं। देखो हमारा काम है आपको सही सलाह देना, करना ना करना आपका काम है, तो इसलिए जो ये सुनपन आ गया इसको अभी इसे ठीक कर लोगे तो अच्छा रहेगा। और एक घर्षण स्नान किया करो, पूरे सूखे टोल से पूरा करा करो, इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। बंसल जी, व्यक्ति के शरीर में खून के फ्लो का साफ होना बेहद ज़रूरी हो जाता है। नहीं देखो मैं बता रहा था कि आदमी कहता है भाई मेरे तो किडनी में प्रॉब्लम है, आप हाथ देख रहे हो तो मेरे तो किडनी में, तो मैं हम कहते हैं भाई किडनी में जब प्रॉब्लम है तो इससे किसका पता चलेगा, खून से ही तो पता चलता है भाई कितना क्रिएटिनिन है, कितना ब्लड यूरिया, कितना इसमें सोडियम है, कितना पोटेशियम है, तो खून से ही तो जाँच करके बता दिया जाता है। और तो फिर किडनी को थोड़ा छेड़ा जाता है मखा, तो इसलिए आदमी कई बार कहता है कि मेरा तो खून साफ करने की दवाई दे दी, मेरे को तो क्रिएटिनिन की बीमारी है, मेरे को ये बीमारी है। हम कहते हैं भाई पहले एक बार खून को साफ कर दे, उसको जैसे जैसे आपके ब्लड से ब्लड में अपने आप ही आने लग जाएगा, जब किडनी कम फंक्शन करने लग जाएगी तो खून भी आपका अपने आप ऑटोमेटिकली गंदा होने लग जाएगा, उसमें उसके वो आ जाएंगे। जब आपका लीवर कम काम करने लग जाएगा, लीवर में गड़बड़ी आ जाएगी तो खून में भी अपने आप गड़बड़ी आ जाएगी, फिर खून भी उसी तरह गंदा होने लग जाएगा। तो जैसे ही आपका यूरिक एसिड बढ़ जाएगा, जब घुटनों में दर्द हो जाएगा यानी गठिया बाय की शिकायत होगी, आरे फैक्टर हो जाएगा तो किस में पता चलता है, और उंगलियां मुड़ जाती है पूरे तो किससे पता चलता है, खून से पता चलता है इसका आरे फैक्टर यानी रोमेटाइज बढ़ गया इसका। तो जैसे हम खून को फिर साफ कर देते हैं तो धीरे धीरे बीमारियाँ भी ठीक करने में काम करती है। तो इसलिए योग और प्राकृतिक चिकित्सा में और जितने भी आसन होते हैं वो ब्लड का संचार ही तो बढ़ाते हैं, उस अंग का बढ़ा देते हैं तो उस अंग में खून अच्छी तरह पहुंचने लग जाता है, वो खून फिर साफ होने लग जाता है तो आदमी स्वस्थ होने लग जाता है। जी, हमारे साथ ललिता जी जुड़ चुकी हैं हरियाणा से। हाँ ललिता जी बताएं। हेलो नमस्कार डॉक्टर। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार। तो मेरा एक हाथ खून रहता है। हाँ, तो कब से रहता है ललिता जी? कई दिनों से। अच्छा दिनों से है ना, भिन्नों से तो नहीं ना? हाँ बस ठीक है, फिर तो ठीक जल्दी हो जाओगी। एक तो क्या करो, घर्षण स्नान करो और नमक फिटकरी डालकर पानी में रातों में डालो, उसके क्या खून का फ्लो आएगा, जब फ्लो प्रॉपर आएगा तो ये सुनपन खत्म हो जाएगा, नहीं तो अभी समझ लो ये बीमारी की शुरुआत है, बस उसने थोड़ी सी दस्तक दिया, आपके घर का चक्कर काट के गया, अभी घर के अंदर नहीं घुसा है, घर का चक्कर काट के चला गया भाई, ये है बस। तो इसको ये करो, और रात को दूध में हल्दी और लहसुन डालकर एक छुहारा मुनक्का डालकर पीने लग जाओ। जैसे कईयों को गर्मी करता है तो थोड़ी कम डाल ले, कभी कभी पी ली कभी छोड़ दी, कभी पी ली कभी छोड़ दी, ऐसे कर सकते हैं। तो ये करो, इससे आराम पड़ेगा। और हो सके तो आयुर्वेदिक डॉक्टरों से नसों का खोलने का जो कोर्स होता है एक बार सलाह लेकर आप मंगवा लोगे तो अच्छा रहेगा। क्योंकि जलन वगैरह तो नहीं होती सर। हाँ जी, नहीं जलन वलन ना हो, जलन हो तो कम कर दो। देखो ऐसा ले रही हूं, हल्दी और लहसुन का। कितने दिन से ले रही हो? अभी 8-10 दिन से शुरू किया। चलो तो अब ठीक कर देगा आपको, अब ये बीमारी भी ठीक होने लग जाएगी। देखो
हम तो कहते हैं कम से कम आदमी ने दवाई खानी चाहिए, दवाई कम से कम खानी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, चलो लहसुन दूध में बदबू आती है? नहीं नहीं आती ना, तो इसलिए मैं कहता हूँ बदबू नहीं आती। फिर तो ये दूध बहुत टेस्टी लगने लग जाता है। इसमें छुआरा मुनक्का भी डालते हो? हाँ जी। चीनी तो नहीं डालते? मक्का भी डाला, छुआरा डाला है, हल्दी डाली है। अच्छा नहीं, मीठा भी कहीं मिल रही है आपका, आपका तुलसी अमृत था पहले, वो भी मंगवाया था। अरे वो बहुत अच्छा, कितना अच्छा था वो बताओ। चलो नहीं ठीक था, ठीक था ना। देखो हम तो कहते हैं बहुत ही अच्छी चीज बनाते हैं वैसे तो। एक बात और पूछनी है आपसे। हाँ बताओ। मेरे हस्बैंड को इसमें तेजाब बनता है पेट में। आप तेजाब बनता है तो फिर उसका एक पूरा सेट मंगाओ। दवाई लेते हैं, एलोपैथिक दवाई लेते हैं, उससे ठीक ना वो तो फिर हो जाए। ना ना ना, उसका परमानेंट इलाज कराओ। आपने देखो सारी चीज़ इसमें इस्तेमाल कर ली। अरे इनको छाछ पिलाओ, इनको छाछ पिलाओ तो इंजीरा डाल के, इससे आराम पड़ेगा। एक छोटी अड़मुँह में डाल ले रहे, वो भी बहुत अच्छा काम करेगी। इनको 24 घंटे मुँह में पड़ी रही, यानी 12 घंटे तो पड़ी रही। अरे खाना खाने के बाद अजवाइन और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल कर इनको पिलाओ, उससे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा। अगर बीपी हो तो सेंधा नमक ना डाले तो उसको पानी को पिलाओ, उससे बहुत अच्छा इनको इफेक्ट पड़ेगा। जिनको देखो बहुत ज़्यादा अफारात हो तो फिर सेंधा नमक डलवा देते हैं, बहुत ही अच्छा इफेक्ट डाल देता है। फिर क्या करना है, चुटकी भर डालना होता है सेंधा नमक, कहीं ज़्यादा डाल लो तो ये। अरे इसमें आयुर्वेद का तो एक कोर्स होता है तीन ने बिनने का, जिनका देखो पेट खराब हो, अरे ये रहता हो पेट में कब्ज रहती हो, गैस बनती हो, गैस ही सबसे बड़ी बीमारी है, तो एक बार कोर्स कर ले। मैं तो कहता हूँ एक ही बिनने का कर ले, अगर 3 महीने का भी ना कर पाए तो एक बिनने का करे। वैसे तो 3 महीने का कोर्स में अच्छा राहत मिल जाती है, तो एक बार बीमारी को ख़त्म कर ले। देखो अब कई बार क्या होता है, जैसे एक आदमी कहता है यार मेरा ये है, अब घर में चोर बैठा है और वो कह रहा है मैं चोरी नहीं करूँगा, आपको नींद आ जाएगी, बिल्कुल भी ना हो। और चोर कहेगा मैं चोरी नहीं करूँगा, लेकिन आपको खटका रहेगा कब चोरी कर जाए। तो इसलिए वही बात है, बीमारी चोर की तरह होती है, कब क्या कर जाए कह नहीं सकते ना, तो सारा सामान उड़ा ले जाए। तो इसलिए बीमारी छोटी कब बड़ी बन जाती है पता नहीं चलता। मसल जी हमारे साथ स्मृति जी जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। हाँ स्मृति जी बताएं। सर वो थोड़ा ना मैं, मुझे 1 महीने हो गया लगभग। हाँ हाँ। 1 महीने से थोड़ी सी जैसे कि खाना खाती हूँ तो पेट भरा भरा सा लगता है। हाँ ठीक है बेटे। और जैसे ऊपर साइड, हाँ हाँ, के ऊपर पेट भरा भरा सा लगता है, पूरा दिन डकार आती रहती है। हाँ वो समझ गया। और इसके बाद क्या कहते हैं, अब कल रात में क्या हुआ, पेट में एकदम से नाइट में जलन हुई। हाँ हाँ। और पंपिंग हो गई। हाँ देख लो बेटे बीमारी बढ़ गई ना धीरे धीरे, वही मैं कहता हूँ आदमी कई बार अवॉइड कर जाता है अपनी बीमारी को, और वो धीरे 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 बीमारी बढ़ जाती है। जी सर जब पंपिंग हुई। हाँ जी। तो वो जैसे कि मतलब पानी पानी निकला, लेकिन ऐसे निकल रहा था जैसे कि लिक्विड निकल रहा हो, मतलब वो क्या कहते हैं वो एसिड निकल रहा, मतलब थोड़ा सा। हाँ खट्टा खट्टा तेजाब निकलता ना बेटे। तो देखो इसका पैसे तो परमानेंट इलाज करा लो, 3-4 महीने लग के दवाई खाना, आयुर्वेदिक डॉक्टरों से बात करके सलाह लेकर लेना। और दूसरा तुम अजवाइन और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के बेटे गर्म पानी करके उबाल के पिया करो खाना खाने के बाद। और दिन में खाना खाने से पहले 12 बजे तक आपने छाछ पीनी है। छाछ में सिर्फ 2 ही चीज़ डालनी है, हींग और जीरा, और तीसरी चीज़ नहीं डालनी, ना मीठा ना नमक। तो ये करो और एक छोटी अड़मुँह में डाल लो, उसको मुंह में पड़ी रहने दो, चूसते रहो दिन भर में, तो वो धीरे धीरे आपको बहुत अच्छा इफेक्ट डालेगी। पेट पर गर्म और ठंडी पट्टी बांधो, उससे आराम पड़ेगा। और पवन मुक्त आसन और भुजंग आसन का आप किया करो, अच्छे योग शिक्षक बस सीख कर वो करोगे तो बहुत अच्छा लाभ, नहीं तो बीमारी ये बढ़ जाएगी बेटे, फिर अडकार आती रहेंगी दिन भर ये, तो इसको यहीं ख़त्म कर लो बीमारी को। जी बंसल जी, सुनीता जी जुड़ चुकी हैं हमारे साथ भोपाल से। हाँ सुनीता जी बताएं। नमस्ते। हाँ नमस्कार जी, नमस्कार बताए सुनीता जी। ये क्या मेरा मासिक धर्म है ना, अनियमित हो गया है, मतलब कितने ज्यादा होती है। अच्छा वो हैवी ब्लीडिंग होती है ना। हाँ ज्यादा होती है, और अभी तो बीच में ब्लड भी एकदम 3 पे आ गया था। अच्छा अरे बहुत। देखो कई बार क्या होता है, लेडीज को जब हैवी ब्लीडिंग आएगी तो हेमोग्लोबिन घट जाएगा, क्योंकि ब्लीडिंग तो वहाँ से हो जाती है, तो फिर 3 या 4 या 5 तक हो जाता है, फिर उसको चक्कर आने लग जाते हैं, यही फिर बीमारी बढ़ने लग जाती है। कई बार क्या होता है, लेडी चेक नहीं कराती, 12 तक होना चाहिए, तो कई बार 9 या 10 या 11 पा जाता है, तो धीरे धीरे खून कम होने लग जाता है शरीर में जब हैवी ब्लीडिंग, या फिर साइकिल कई बार 40 दिन की हो जाती है कईयों की, या फिर स्मेल भी आने लग जाती है, तो इसका फिर प्रॉपर इलाज होता है आयुर्वेदिक में वो करें। और गाजर टमाटर चकुंदर, गाजर टमाटर चकुंदर का आप जूस पियो, इससे आपको बहुत अच्छा राहत मिलेगी। और जिनका ब्लड जो हैवी ब्लीडिंग होने लग जाती है या
अनियमित ब्लीडिंग होने लग जाती है, तो दूध में हल्दी और लहसुन भी उसमें बहुत अच्छा प्रॉपर काम करते हैं। आपकी जो साइकिल है वो 28 दिन में हिला देती है, कई बार ये करने का आप करके तो देखो, ये कई चीज में, इस इसमें नहीं, कई चीजों में ये फायदा देता है। बिल्कुल दर्शकों, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे परिवार को परेशानी में डाल सकता है, इसलिए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बताया जाता है कि आप किस तरह से स्वस्थ रह सकते हैं और कैसे बीमारियों को दूर रख सकते हैं। फिलहाल वक्त हो गया है आप सभी से विदा लेने का, लेकिन जाने से पहले हम धन्यवाद देंगे डॉक्टर बंसल का। डॉक्टर बंसल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार जी। नमस्कार जी। धन्यवाद। हम किसी प्रकार के रोगों को ठीक करने का दावा नहीं करते हैं, कोई भी किसी तरह की गारंटी नहीं लेते हैं, और कोई भी किसी तरह का इनाम नहीं निकालते हैं। और कोई भी आपको तकलीफ है, कैसी भी तकलीफ है, तो किसी भी समय आप पूरी फोन पर अपनी बीमारी के बारे में बताकर जानकारी ले सकते हैं। यदि आप भी किसी पुरानी गंभीर बीमारी से परेशान हैं, सालों साल से इधर उधर धक्के खा रहे हैं, तो वैदिक उपचार के पास आइए।